आने वाली फिल्म का लुक है। अरे ये दादा ये बैठने दो, अरे पहले होने दो, बाद में होगा। मटन मच्छी भाई पीछे दो यार। ए दादा हट के, ए भाई तू आ, भाई तू आ वाले सुन सुन हट। हेलो भाई, अरे कहां आप? जी चलिए। हां इसके साथ करेंगे। ए ओरिजिनल 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 सर सर ओरिजिनल एमजी आप लोग करें। भाई हां ओरिजिनल। हां अरे वो दोनों नहीं दिख रहे, तुम बीच में आ गए। कैमरा अभी 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 फरहान सर का शेव किया जा रहा है जिलेट से। और जिस तरह से मैंने कहा कि ब्लेड से किसी की जान भी जा सकती है और कोई बहुत हैंडसम भी लग सकता है तो ये बहुत तो फरहान सर को ज्योति और नेहा पे पूरा भरोसा है। भाई कट्टा नीचे बहुत गिरती चेहरा। अरे यार नहीं कटेगा, भरोसा है भाई। अरे फ्लैश खत्म हो गया। अल्लाह साइलेंट। इकडे बघायला लाव ना करा, तिकडे तो कापे लागेल सुजीत बाबू सही कैसे होता है, अब देखेंगे गलत शेप कैसे। जो कह रहे थे कि खूबसूरत भी हो सकता है और डेंजर भी हो सकता है, खूबसूरत हो गया डेंजर। ब्लेड लगाइए इसमें, ब्लेड चाहिए इसमें। तो दिन में कितने शेप होते हैं? सबकी दाढ़ी जल्दी जल्दी उगती है, यहाँ पर बॉम्बे में थोड़ा स्लो होता है। भाई तो पूरा अंदर ही चले गया। अगली उनकी बारी है। पीस
ब्लेड है क्या उसके अंदर? अभी क्लोजअप लेंगे, ब्लेड दिखना चाहिए कैमरे में। ब्लेड तो लगवाइए सर, लुक है सर, आपकी ये फोटो ले लीजिए। हाँ ये चाहिए, ये डाला जा रहा है, ये जिलेट है, जिलेट मिलेगा सबको, मिलेगा साथ में साथ में आगे जाने को जगह भाई 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 थोड़ा सा सरकार हम लोग पीछे है, देखना मेरा आगे हमारे वन ऑफ द वेरी वेरी रेनाउंड एक्टर्स हमारे इंडियन फिल्म इंडस्ट्री बॉलीवुड से, और एक तरफ है इंडिया के टॉप हेयर स्टाइलिस्ट। मैं आपसे एक बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन पूछूंगी, आपके फेवरेट एक्टर कौन है? फरहान जी। बेचारी मैं यहाँ पर बैठा हूँ, कुछ और कह भी नहीं सकता। But that was not plucked, so that's a natural. और आपका फेवरेट हेयर स्टाइलिस्ट, फेवरेट सैलून? आलू मार्केट। Right on. You may be able to. Okay. कितने होंगे जैसे फरहान अख्तर जी आपके बाजू में, तो किसकी हेयर स्टाइल आप देखते हैं और आपको बहुत ही अच्छी लगती है? उनका। जब लोग आपको कहते हैं कि मुझे फरहान अख्तर की तरह कराने हैं, कटिंग करानी है, शाहरुख की तरह करानी है, तो आप लोग कैसे करते हैं, कैसे मैनेज करते हैं इसको? हम लोग एक्टर हैं। चलो अभी माइक में देखेंगे तो पूरा एक्टर हो जाएंगे। चलिए एक फेवरेट एक्टर तो बता, फेवरेट एक्ट्रेस कौन है जिसका शायद आप बाल हेयर ड्रेसिंग करना चाहो? शिव का तो मुश्किल फरहान, ऐसी खबरें आ रही हैं कि आप और सलमान एक मूवी में कोलैबोरेट करने वाले हैं, इस बात में कितनी सच्चाई है? वेट 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 टू शेव टुगेदर। फरहान तूफान में भी आप काम कर रहे हो, राकेश ओमप्रकाश मेरा के साथ बॉक्सर के, बहुत इंटरेस्टिंग इंस्पायरिंग कहानी, उसके बारे में भी कुछ अगर बता सकते हैं? सर उसके बारे में जेन्युइनली में हम लोग बैठ के आराम से बातें करेंगे। यहाँ पर ये दो लड़कियाँ मतलब बहुत दूर से आई हैं, ये मौका जो है, ये जो लाइमलाइट है उन पे होना चाहिए,
तो कुछ सवाल अगर आप और इनसे पूछना चाहेंगे तो आई थिंक दैट वुड बी थैंक यू थैंक यू मेरा जब गोरखपुर से आप मुंबई आ रहे थे जो आपकी जर्नी जब आप यहाँ पर आना चाहिए तो मन में कोई डर था कि वहाँ पर आप लोगों के बीच जाएंगे जिस तरह से आप बता रहे आप बड़े लोगों के बीच आए तो आपके मन में कोई डर था और आज आप जब उनके बीच है तो कैसा लग रहा है आपको सोच क्या थी आपकी जब यहाँ पर आ रहे थे आप और क्या सीखना चाहते हो और क्या अच्छा कुछ करना चाहते हो जिस तरह से अभी आपने बताया कि आप अभी उतना वहां तक नहीं पहुंचे उतना आप कुछ नहीं आता है तो आप आगे सीखने की कोशिश करना चाहते हैं कि आप और भी कुछ अच्छा कर सके और लोगों के बीच जा सके और अच्छा सीखना चाहते हैं और लोगों के बीच में भी जाना चाहते हैं ज्योति मेरा सवाल आपसे है अभी आप इतना मीडिया के सामने ऑलरेडी आए हो कल आपके पास कोई अगर हेल्प मांगने आएगी सीखने के लिए क्या आपका कैसे रहेगा बर्ताव उनके साथ अच्छा लगा उनको भी सिखा आप सिखाएंगे उनको आप सीखना चाहेंगे ऑफ कोर्स यस आप किस पे शेम करना चाहोगे इंटर सबका चलो थैंक यू थैंक यू सो मच थैंक यू थैंक यू Thank you.